रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 3, जिसका नाम है नादान दोस्त, वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 व 19 पर है। यह प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3, नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीन हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं कोई। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की थाली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा,
तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। आइए से समझ लेते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का जो घर था उस पर कार्निश के ऊपर, कार्निश होता है जो छत बनी हुई होती है, दीवार बनी हुई होती है, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आगे कुछ एक अंश दिया जाता है, दीवार बनाई जाती है, छत के पास एक दीवार बनाई जाती है, वह होती है कार्निश। वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। जो चिड़िया वहाँ आती थी और वहाँ से जाती थी, तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ध्यान से उन्हें आते जाता देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। सुबह जब होती थी तो वो आंखें मलते हुए जब वो जगते थे तो सुबह सबसे पहले क्या करते थे, उस कार्निश के सामने जाते थे और चिड़ा और चिड़िया को वहां बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। जब वो देखते थे उस चिड़ा और चिड़िया को तो उन्हें बहुत मज़ा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। वह सुबह दूध और जलेबी की भी उन्हें याद नहीं रहती थी, लेकिन वह सुबह उठते ही सबसे पहले उस कार्निश के सामने पहुंच जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल क्या उठते थे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, अंडे कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस रंग के, किस तरह निकलेंगे, निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन ये इस तरह के सवाल उनके मन में आते थे, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाता था। उन्हें देने वाला इन सभी प्रश्न का सवाल कोई नहीं दे पाता था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बापूजी को पढ़ने लिखने से, और जो अम्मा थी उनकी मम्मा, जो माँ थी उनकी, उनको घर के काम से फुर्सत नहीं थी और बापूजी थे उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों में से कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे अपने मन में ही सवाल पूछते थे, उसका जवाब भी खुद ही ढूंढते थे और दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, तो श्यामा क्या कहती थी, जो केशव की बहन थी वो क्या कहती थी कि बताओ भैया कि ये जो बच्चे हैं वो फुर से निकल के उड़ जाएंगे, जब निकलेंगे तो फुर से उड़ जाएंगे क्या। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, केशव को ऐसा लगता था कि मैं विद्वान हूँ। वो कहता था कि नहीं री पगली, ऐसा नहीं होगा, पहले उनके पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वह कहता था कि तुझे पता नहीं है पगली, तू कैसी बातें करती है, तो वो पहले तो सबसे पहले उनके पर निकलेंगे, बिना पर के वो बेचारे कैसे उड़ेंगे ये तो बताओ। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा सोचती है बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव एक पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। फिर केशव से फिर वो पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, तो फिर बोलता है कि अब वो इस सवाल का जवाब केशव जो है वो दे नहीं पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, ये सब सोचते रहते थे, वो उसे देखते रहते थे, तो इन सभी में 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चे जो थे जिज्ञासु हो गए थे देखने के लिए, वो सब प्रश्न के उत्तर जानने के लिए, उनकी जिज्ञासा जो थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीन हो उठे थे। ये जब उन पर रहा नहीं जा रहा था, अब अंडों को देखना चाह रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अब तो 3-4 दिन हो गए, अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे के का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के चारे का सवाल, चारा होता है जो वो खाना खाते हैं,
जानवर जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं चारा। तो उसका सवाल उनके मन में था कि वे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारा इतना दाना कहाँ कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भर सके। उन्हें ये भी वो था परेशानी थी, अनुमान लगाया कि ऐसे कैसे चिड़िया इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि वह सारे बच्चों को खाना खिला पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो वह सोचने लगे कि ना गरीब जो बच्चे हैं वह चू चू करके बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। फिर उन्हें जब ये लगा ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो वह दोनों घबरा गए। इस चीज़ को सोचकर वह दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने क्या सोचा कि कार्निश जो है उस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए जिससे कि वह भोजन कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है, खुश हो जाती है कि हाँ अगर हम दाना रख देंगे तो चिड़िया तो वहाँ सर उड़ के जाएंगी ही नहीं जब उन्हें खाना मिल जाएगा तो। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी। केशव बोलता है, हाँ सही बात है, तब क्यों जाएंगी जब उन्हें दाना मिल जाएगा तो। श्यामा कहती है, क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी। तो श्यामा क्या बोलती है केशव की बहन की, भैया बताओ बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव ने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। तो वह बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। वह बोलता है कि हाँ ऐसा तो है कि तकलीफ तो उन्हें धूप से हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है ना कोई। वह बोलते हैं कि हाँ धूप है तो प्यास से भी तड़पते होंगे और ऊपर छत पे कोई छाया भी तो नहीं है, ये सोचने लगा केशव। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। फिर उन दोनों ने क्या सोचा कि घोंसले के ऊपर ना छत बना देनी चाहिए, कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी रखना चाहिए थोड़ा सा और चावल भी रख देने चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों बच्चों ने बहुत सोचा और उस पर फिर काम करने लगे उसी के लिए कि चावल रखने चाहिए हमें छत पे, धूप जो है उसकी छाया करनी चाहिए और प्याले में पानी रखना चाहिए। इस चीज़ में वो दोनों बच्चे लग गए। केशव ने पत्थर की थाली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। एक पत्थर की थाली थी केशव के पास, उसने क्या किया उसमें जो तेल था वह ज़मीन पर गिरा दिया और चुपके से उसको अच्छे से साफ कर लिया, बहुत अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर क्या हुआ कि वह सोचने लगे कि क्या करेंगे अब, चावल वो उसके लिए चांदनी के लिए ऊपर के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए, उस पे छांव करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो वह सोचने लगा कि ऊपर छाया करने के लिए कैसे कपड़ा लाया जाए और कैसे वो उसको कपड़े को ठहराएगा, कैसे वह रुकेगा, कैसे वो छड़ियाँ खड़ी होंगी, यह वो सोचने लगा। केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़बुन में रहा, वह यही सोचता रहा बहुत देर तक। आखिरकार उसने यह मुसीबत मुश्किल की भी हल कर ली। उसने क्या सोचा कि अब तो इस मुसीबत को हल करना ही पड़ेगा। वैसे उसने तुरंत ही हल कर ली उस मुसीबत को। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। वह बोलता है कि ना जा श्यामा, कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। वह बोलता है कि अम्मा को लेकिन दिखा के मत आना श्यामा, जब तो वह तो बीच से फटी हुई है उसमें धूप ना जाएगी। तो वह बोलती है, वो तो बीच से फटी हुई है उसमें तो धूप जाएगी। तो केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके करने की हिकमत निकालूं। तो वह बोलता है कि तू, वो परेशान हो गया झुंझला गया उस पर, बोलता है तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, अब कैसे धूप आएगी। तो वह बोलता है कि देख, इस उसने क्या किया, टोकरी उठाकर लेके आई श्यामा और केशव ने उसमें कागज़ जो सुराख था वो छेद जो था उसमें कागज़ फंसा दिया, कागज़ ठूंस दिया और टोकरी को टहनी से टिकाकर बोलता है कि देख ऐसे मैं उस छाया कर दूंगा, फिर कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो वो क्या कहता है कि अरे हाँ भैया कितने
चालाक हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसका शेष भाग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।